अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी वर्स मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है स्पाइसी चाइनीज़ रोल, तो चलते हैं और आपके लिए बनाती हैं मज़ेदार रेसिपी। स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने 150 ग्राम चिकन लिया था, इसको मैंने इस तरह से बॉयल करके रेशा कर लिया है अदरक लहसुन डाल के। इसके साथ ही एक अदद शिमला मिर्च ली है जिसके मैंने चकोर पीसेस किए हैं, गाजर भी मैंने हाफ ली है और आधी मैंने बंद गोभी। इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच पेपरिका लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला और इसके साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। मैंने फ्राई पैन को रख दिया है और फ्लेम भी ऑन कर दिया है। सबसे पहले हमने एक खाने का चम्मच ऑयल शामिल करना है। ऑयल को हमने चारों तरफ फैला देना है ताकि हम चिकन डालें तो चिकन चिपकेगी नहीं अगर चारों तरफ ऑयल लगा हुआ। अब मैंने चिकन को ऑयल में शामिल करना है। इस साथ ही हम सारे सॉस शामिल करेंगे, सोया सॉस एक खाने का चम्मच, एक खाने का चम्मच भी हम शामिल करेंगे चिल्ली सॉस, हमें मिक्स करना है। इसके साथ सारे स्पाइसी शामिल कर दूंगी मैं। मसाले को अच्छी तरीके से हमने भून देना है क्योंकि मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसको निकालते हैं और इसी में हमने वेज को भी फ्राई कर, इसी में हमने एक चाय का चम्मच ऑयल शामिल करना है। इसमें हमने सारी वेज को स्मूथ करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, तो सबसे पहले मैं गाजर शामिल करूँगी। जैसे गाजर सॉफ्ट होते हैं बाकी वेजी भी शामिल करते हैं इसके साथ। देखिए हमारे गाजर जो है सॉफ्ट हो गए। अब मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी दोनों शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा बड़े चंक नहीं रखे हैं मैंने, इसकी चॉप किया है जो हमारे चिकन के बैटर में बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। वैसे जैसे ये सॉफ्ट होती है तो हमने चिकन वाला मिक्सचर इसमें डाल देना है। जब हमने चिकन वाला जो मसाला भून के रखा था वो शामिल करेंगे। इसके
रेडी मेरी सॉफ्ट नहीं हुई है, अभी भी क्रंची है। चिकन के साथ इसका मसाला जो है बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, फिर भी रेडी जो है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होगी। फेस रोल को आपने सेव भी कर लेना है, ताकि आपको अगर रोज रोज नहीं बनाना है तो आपने इसको सेव करके रख लेना है, ताकि आपको रमजान के बाकी रोजों में ये रोल फ्राई करके दस्तरखान के आपको काम आएंगे कि आपने ये अपने इफ्तार में रोल भी फ्राई कर लें। ये देखें रेडी हो गया है, अब मैं इसको निकालती हूँ। रोल का जो बैटर है ये देखिए ठंडा हो चुका है, क्योंकि हम गरम गरम फिलिंग नहीं कर सकते ना, जो रोल है वो क्रंची नहीं रहेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही दो अदद अंडे लिए हैं, जिसको इस तरह से मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और इसके साथ बैट क्रम्स ले लिया है, और फिलिंग के लिए हमने मैदे की लई बना ली। ये हमने फिलिंग को रख दिया है, करेंगे हमने सबसे पहले थोड़े से साइडों को मोड़ना है, मोड़ के हमने इसको इस तरह से लेना है, ताकि अच्छी तरीके से हमने पुश कर लेना। इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर मैदे की लई लगा लेना है, इसी तरह हमने रोल को बना लेना। तो जनाब बनती हूँ सब आपसे रोल बना के आपसे, और जब तक तैयारी करते हैं अपने रोल की, और फिर मैं आगे का बताती हूँ आपको, हमने इसकी कोडिंग भी करनी है। रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसकी कोडिंग करती हूँ। सबसे पहले हमने अंडे में इसको अच्छी तरीके से डिप करना है, के साथ ही हमने ये अंडे वाले बैटर भी शामिल कर दिया, बैट क्रम्स वाले बैटर में शामिल करना है। अंडे के बाद इसको अच्छी तरीके से सब जगह स्प्रेड करना है, इस तरह से कोडिंग करके आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा झाल के मैंने इस तरह से इसकी कोडिंग कर दी, अब सब कोडिंग करके आपसे मिलती हूँ। रोल की कोडिंग हो चुकी है, अब हम ऑयल को रखेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल को मैंने गरम रख दिया था, इसको चेक करने के लिए हम पापड़ी का एक टुकड़ा डालेंगे। ये देखें जितनी जल्दी ऊपर आया है इतना ही ऑयल हमें चाहिए। ये देखें अब हम फ्राई के लिए रोल शामिल करते हैं। देखिए एक साइड पे देखते हैं, अगर गोल्डन हो गया तो तंदूरी पे गोल्डन हो चुके हैं, टर्न करते हैं और दूसरी साइड पे भी गोल्डन होने देते हैं। दोनों साइड से ये देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं, और अब हम इसको निकालते हैं। बाकी के रोल भी फ्राई कर लेते हैं। बाकी के भी हमारे रोल जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। स्पाइसी चाइनीज रोल की रेसिपी रेडी हो चुकी है, ये देखिए कैसे क्रिस्पी बने हैं, और आपको देखिए हाथ में कहीं ऑयल नहीं है आराम से, और किस कदर जूसी है अंदर से, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। और जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको मिल सकें। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।